अगर कोई ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर किसी आम आदमी को थप्पड़ मार देता है या उस पर हाथ उठा देता है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मैं बलजीत सो आपका लॉ की बात चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट प्रदीप सौ जी मौजूद हैं, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे, जो आपके मन में भी वो क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनका आंसर हम इनसे जानेंगे। तो मैं चाहता हूं कि एडवोकेट प्रदीप जी कुछ आपसे दो शब्द कहें। मैं एडवोकेट प्रदीप सौ, आज आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आप अपने सवाल चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए, बहुत खूब। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल ये है कि पुलिस अगर एफआईआर नहीं लिखती है तो आम पब्लिक को क्या करना चाहिए? पुलिस अगर एफआईआर नहीं लिखती है तो आम पब्लिक को क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहली बात, जब भी कोई घटना घटती है तो आप जब पुलिस स्टेशन में जाते हो तो ऐसा नहीं कि पुलिस आपको क्या करेगी, एफआईआर लिख लेगी। पुलिस उस मामले को देखती है कि वो मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का बनता है तब पुलिस एफआईआर लिखती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है ऑफेंस तो उस मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। लेकिन मान लीजिए कि मामला अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस का है और पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, तो मैं आज आपको 3 स्टेप बताऊंगा। ये अगर आप 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो पुलिस आपकी एफआईआर लिखेगी। पहला स्टेप ये है कि आप उस थाने में एक शिकायत कीजिए लिखित तौर पे, और उसको पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड डिस्पैच कर दीजिए, भेज दीजिए। उसके बाद वही शिकायत की कॉपी, उसकी उसमें सीसी लिखकर आपको क्या करना है, एसपी के पास कंप्लेन फाइल करना है। और ये 2 जगह कंप्लेन फाइल करने के बाद भी आपकी शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं होती है तो आपको क्या करना है, वो दोनों कॉपी को लेकर किसी वकील से मिलकर प्राइवेट कंप्लेन फाइल करना है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। इस तरह आपकी कहीं ना कहीं एफआईआर लिखी जाएगी। चलिए, बहुत खूब। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि आपने कॉग्निजिबल ऑफेंस का जिक्र किया, तो हम दर्शकों की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस और ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होते हैं? अच्छा सवाल है, दर्शकों को समझ में नहीं आता कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो बहुत ही सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप। और नॉन कॉग्निजेबल वह ऑफेंस होता है जहाँ पे छोटे मोटे क्राइम, जैसे आप किसी को धमकी देना जान से मारने की, या छोटी मोटी कोई चीज़ें चोरी कर ली, इन सब मामलों में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस आपको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। आपको बेल के लिए सीधा सेशन कोर्ट में अप्लाई करना होता है, बेल एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप स्टेशन, पुलिस स्टेशन से ही बेल ले सकते हैं। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस अगर कोई करता है तो हमें पहले किसके पास जाना चाहिए? पुलिस के पास जाना चाहिए या वकील के पास जाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको समझा दूं कि जब भी कोई घटना घटित होती है, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, या बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, सबसे पहले आपको अपने जुरिडिक्शन के पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, और आपको जो विक्टिम्स है उसको पूरी अपनी शिकायत पुलिस को क्या करनी चाहिए, बतानी चाहिए। पुलिस अगर उस मामले को संगीन लेती है, अपने ध्यान में लेती है, अगर उसको लगता है कि मामला कॉग्निजेबल है, तो वहां पे जरूर कहीं ना कहीं एक्शन पुलिस लेगी। चलिए, बहुत खूब। अगर अगर हाँ, एक चीज और, अगर मान लीजिए कि पुलिस अगर आपको मामला कॉग्निजेबल बनता है और पुलिस वहां पर एफआईआर नहीं लेती है, तो आप किसी अच्छे वकील से मिलकर मामले को एफआईआर करवा सकते हैं। चलिए, बहुत खूब। आपसे जरूर मिलेंगे ऐसे कुछ लोग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल, वो सवाल बहुत ही जरूरी है जो ज्यादातर लोगों के माइंड में आता ही है। और ये क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर किसी आम आदमी को थप्पड़ मार देता है या उस पर हाथ उठा देता है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऑन ड्यूटी चाहे वो कोई भी हो, पुलिस वाला हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, उस पे हाथ उठाना कहीं ना कहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक कहीं ना कहीं वो क्राइम कहलाता है। और उस केस में पुलिस आपको आईपीसी की धारा 353 के अकॉर्डिंगली आपको अरेस्ट कर सकती है, और वहाँ पर वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और वहाँ पर आपको बेल के लिए सेशन कोर्ट जाना होगा। कभी भी अगर कोई पुलिस कर्मचारी आपको ऑन ड्यूटी है और आप पे हाथ उठाता है, तो आप भी उसे मार नहीं सकते।
हाँ, लेकिन हमारे सिस्टम में लॉ के अंदर एक प्रक्रिया है जहाँ पर आप उसको पनिश कर सकते हैं। आपने अगर एविडेंस बना लिया है, कोई वीडियो आपने शूट कर लिया है, तो आप वो वीडियो को लेकर आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के पास उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर वो मामला सच पाया जाता है तो उस पुलिस को सस्पेंड तक किया जा सकता है। बहुत खूब। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो सेटिस्फाई हुए होंगे उस आंसर से। एक और जो क्वेश्चन है बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के मन में आता है, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि पुलिस अगर हफ्ता वसूली करती है, जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं, छोटे मोटे जो ठेला लगाते हैं, अगर उनसे हफ्ता वसूली करती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि हम क्या कर सकते, क्योंकि ये जो छोटे हॉकर्स होते हैं, जो रोड पे धंधा लगाने वाले व्यापारी होते हैं, ये पुलिस को खिलाफ कोई एक्शन लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं आज कुछ एक्शन लेता हूँ तो मुझे रोज धंधा यहीं पे लगाना है, अपना दुकान यहीं पे लगाना है, तो कुछ एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन ये ऐसे हम समाज में रहते हैं कि हमें सिस्टम से लड़ना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि क्राइम हो रहा है, ये चीज़ें गलत है, लेकिन हम कोई भी व्यक्ति उससे लड़ने के लिए आगे नहीं आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई भी, अगर आप मान लीजिए कोई हफ्ता लेते हुए या रिश्वत लेते हुए, ब्राइब लेते हुए कोई अगर मिल जाता है, तो आपने अगर उसका वीडियो शूट कर लिया है, तो आप कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, जिस भी ज्यूरिडिक्शन में आप रहते हैं, वहाँ पर उस, पहले तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के खिलाफ, अथॉरिटी के अगेंस्ट में केस फाइल कीजिए। अगर वहाँ पर अगर एक्शन नहीं लिया जाता है उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी लगाकर आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर सबूत मिल जाता है उसके खिलाफ, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं नौकरी से सस्पेंड हो जाएगा। तो चलिए, बहुत खूब, हमारे पांचों सवाल के जवाब आपने बहुत अच्छे बखूबी से दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो ऑडियंस है उनको ये सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे, उनके जवाब ज़रूर समझ में आए होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कोई भी और डाउट आता हो, और भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आते हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा। तो आपके क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में अपने एडवोकेट जी से उसका सोल्यूशन हम ज़रूर आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।